रायपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और मंत्री राजेश मूनत ने नामांकन दाखिल किया। वर्तमान में रायपुर पश्चिम में कांग्रेस का कब्जा है और राजेश मूनत ने कांग्रेस प्रत्याशी पर विकास कार्य ना कराने का आरोप लगाते हुए भाजपा को जिताने की अपील की है। वहीं भाजपा प्रत्याशी से खास चर्चा की संवाददाता अंबिका। पश्चिम से आज आपने नामांकन भरा है, राजेश मूनत ने नामांकन दाखिल कर दिया है आपके क्षेत्र में, यानी कि विकास के क्षेत्र में विकास की गति रुकी हुई थी, क्या आपके आने से विकास को गति मिल पाएगी? वह विकास था ही नहीं, नाम था लेकिन सिर्फ फोटो था, हुआ तो कुछ नहीं। जनता पूछ रही है, गली गली की जनता पूछ रही है कहाँ है, कौन सा काम हुआ। राजधानी में काम नाम की कोई चीज ही नहीं। रायपुर तो खुदा पड़ा है, पूरा शहर खोद दिया, शहर में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया, शहर के अंदर नशीले पदार्थों की खुलेआम तस्करी हो रही और उन सब के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। हम सब लोग लड़ेंगे। आपने स्काई ओवर बनाने का फिर से बात आपने कही, क्या स्काई ओवर को गति मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्काई वॉक बन के रहेगा। तो स्काई वॉक बनने का एक बड़ा दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रायपुर पश्चिम के उम्मीदवार राजेश मूनत ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और साथ ही साथ विकास के क्षेत्र में विकास के रुकने की बात इन्होंने कही है और उस विकास को गति देने की बात कही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस विकास की गति देने वाले उम्मीदवार को रायपुर पश्चिम की जनता चुनती है या नहीं चुनती है, ये परिणाम बताएगा। कैमरा पर्सन ताकेश्वर के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।